धन्यवाद सभापति जी। 193 के तहत चर्चा में खेल पर पहले भी चर्चा हुई और आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। भारत खेल की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है। हमारे देश के युवा स्वाभाविक रूप से खेल में रुचि रखते हैं और हमारे कुछ समय पहले तक भारत केवल मात्र एक खेल के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के रूप में खेल को एक नया रूप देने का प्रयास किया है, खेलो इंडिया कार्यक्रम भारत में खेल विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना है। इसे पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम भारत की खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दी, जो राजीव गांधी खेल अभियान, जिसे पहले युवा क्रीड़ा के नाम से जाना जाता था, अर्बन स्पोर्ट स्कीम और नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च सिस्टम प्रोग्राम को जोड़ता है। माननीय सभापति जी, योजना का प्रमुख लक्ष्य एथलीटों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना है, उन्हें आगे सवारने और वित्तीय सहायता के लिए पहचानना है। इसके अतिरिक्त बजट 2022 में खेलो इंडिया आवंटन में 48% बजट की वृद्धि हुई। हालांकि यह देखना बाकी है कि जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए। युवा भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो भागीदारी में बाधा आती थी, जब से खेलो इंडिया का कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ हुआ है, इंडिया स्कूल गेम्स में 2018 में 3,764 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसके बाद 2 वर्षों में पूरे देश में एथलीट की संख्या जो है वो 6,000 तक पहुंच गई है। पूरे देश में युवा मामले और खेल मंत्रालय जो था, 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया जिला केंद्र बनाए गए। इस परियोजना का कुल बजट 14 करोड़ से अधिक है। परियोजना में युवा एथलीटों को उनके चुने हुए खेलों में उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के लिए अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। माननीय सभापति जी, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की। इसे अप्रैल 2018 में टॉप्स एथलीटों को प्रतिबंधित करने और व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सहायता टीम बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। यह योजना पूरी तरह से चालू है और 2020 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए पहचाने जाने वाले संभावित एथलीटों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है, जैसे कि विदेशी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उपकरण और कोचिंग शिविर, साथ ही ₹50,000 का मासिक वजीफा प्रत्येक एथलीट के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के अनुसार यह योजना वर्तमान में 13 खेल विषयों में 104 टॉप स्कोर ग्रुप एथलीटों का समर्थन करती है। सरकार खेल और खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए एक राज्य एक खेल नीति लागू करने की योजना बना रही है, जिसका हाल ही में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने माननीय प्रमाणिक जी ने खेल में उल्लेख महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में खेलों को महत्व देने के लिए, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे ग्रामीण खेल हैं, जैसे पिछले दिनों में कबड्डी को महत्व दिया गया, कुश्ती को आप देखेंगे तो कुश्ती में हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने जिस प्रकार का परचम हमारे खेलों में लहराया है, एक सामान्य परिवारों की बेटियां किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में आई हैं, इसी तरह से एथलेटिक्स के रूप में आप देखेंगे
कि हमारे बच्चों ने पूरी दुनिया के अंदर परचम लहराया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर से माने हमारे खेल राज्य मंत्री जी प्रमाणिक जी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण अंचल के अंदर खेलों को विशेष महत्व देना चाहिए। गांव में छोटे छोटे बच्चों को हम प्रोत्साहन करेंगे, नर्सरी विंग जितनी ज्यादा से ज्यादा खुलेंगी, स्कूलों के अंदर से बच्चों को सिलेक्ट करके नर्सरी विंग खोल करके और उनको हम यदि छात्रवृत्ति देंगे तो उससे हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे जिनको अवसर प्रदान होगा, मौका मिलेगा, और मौका मिलने के बाद में जब वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर उनका एक प्रभाव पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी लोकसभा के अंदर एकेडमी, एक बावड़ी गांव के अंदर बालिकाओं की एक एकेडमी चलती है। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप उसको खेलो इंडिया में परिवर्तित कर लेंगे तो छोटी छोटी बालिकाएं आगे बढ़ती हैं। कबड्डी में भी हमारा एक छोटा सा गांव है, वहाँ की जो अंडर 18 की बेटियां हैं उन्होंने राष्ट्रीय लेवल के ऊपर 2 बार लगातार खेल में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। और माननीय सभापति जी, मैं जिस लोकसभा से हूँ और जिस गांव में मैं रहता हूँ जहाँ पर आश्रम है, अकेले उस गांव के अंदर इस बार 3 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, यानी एक ही गांव के बच्चों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, आयुष बगड़िया, हमारे जयदीप राजपूत, लोकेंद्र सिंह राजपूत, हमारी बेटी है सरोज पिपलोदा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेल करके आई है, और हमारे ही वहीं के रहने वाले रणजीत सिंह पिपराली जिसने मास्टर गेम सिटली में 2019 में बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, बजरंगलाल ताखर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपने, मैंने निवेदन किया था तो हमारे सीकर में आपने इंडोर स्टेडियम दिया है, लेकिन एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें यदि एक कोर्ट मिल जाए, एथलेटिक्स कोर्ट, तो हमारे खिलाड़ी और आगे बढ़ सकते हैं। एक एक गांव से जब हम 3-3 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय दे सकते हैं तो पूरे क्षेत्र में, हमारा एक छोटा सा गांव है उसमें गांव के लोगों ने जनसहयोग से किस प्रकार का स्टेडियम बनाया है कि जिला स्टेडियम से बेहतर बनाया है, तो इस प्रकार से गांव के लोग मिलकर के जनसहयोग से खेल के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि खासतौर से गांव के अंदर विंग्स दी जाएं, और मेरे क्षेत्र में जैसे मैंने बावड़ी की बात की, हॉकी की, बास्केटबॉल वहाँ का विशेष खेल है, 20 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अकेले सीकर जिले ने बास्केटबॉल में दिए हैं, तो मैं आशा करूंगा कि मैं बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुछ यदि सेंटर खोले जाएं तो हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।